विशनरियन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट क्यूजींस हम किस तरह से वेजिटेरियन वर्जन में बनाते हैं। यहाँ की हर एक रेसिपी आपको नो ऑनियन, नो गार्लिक और नो मशरूम से मिलती है। तो देखते हैं आज की स्पेशलिटी क्या है। हरे कृष्णा, कृष्ण एरियन वे ऑफ कुकिंग में आपका स्वागत है। मैं राधिका प्यारी देवीदासी आज आपके सामने एक बहुत ही सिंपल, डिलिशियस और कूलिंग रेसिपी लेके आई हूँ। ये एक रेसिपी है जो एकादशी के लिए कम्प्लीटली सूटेड है और इसे कहते हैं लौकी का रायता। तो इस रेसिपी का हमारा मेन इंग्रेडिएंट है लौकी और दही, और उसके साथ में हम कुछ गिनी चुनी सामग्रियाँ यूज करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले हम उबलते हुए पानी में छीली हुई लौकी काट के डाल देंगे। धीरे धीरे से डालना है, उबलता हुआ पानी है इसलिए ध्यान रखना है। लौकी डालने के बाद हम जो हीट है या तो आँच है स्टोव की, उसे हम धीमी कर देंगे और धीमी करके हम उसे ढक के पकने दे देंगे। इसे हम नियरली 5 मिनट या 10 मिनट तक पकने देंगे, जब तक हमारी लौकी नरम ना हो जाए। अब उस दौरान हम स्टोव दूसरा एलिमेंट चालू करके मीडियम हीट रख के तवा गरम पे रख देंगे, और जैसे ही हमारा तवा गरम हो जाता है हम उसमें हम जीरा, जो हमने जीरे की क्वांटिटी ली है उसमें से अधिक जीरा हम इसमें डाल देंगे सेकने के लिए, और थोड़ा सा जीरा हम साइड में रख लेंगे जो हमें बाद में यूज़ करना है। जीरे को डाल के हम अच्छे से सेक लेंगे। अगर आप फायर एलिमेंट या गैस एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप एकदम लो हीट पे उसे सेकिए। अब ये सेक के होके मैंने क्या कर दिया है, स्टोव बंद कर दिया है और मैंने उस जीरे को स्प्रेड करके तवे पे रख दिया है। अब उस दौरान मैं अपनी लौकी चेक कर लूँगी, दिख तो नरम रही है और मैंने छुरी से प्रेस करके पता चल गया है कि पक गई है। अब हम ये जो पानी है उसे हम स्ट्रेन कर देंगे। अब एक बड़ा सॉस पैन ले लेंगे, उसे गरम होने कर लेंगे मीडियम हीट पे, और फिर बाद में उसमें हम तेल डाल देंगे। उसमें फिर जो बची हुई हमारी जीरा था और कड़ी पत्ता था और जो मिर्च थी उसे हम अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे। एक बार वो हो जाए फिर हम हमारी जो पकी हुई लौकी है वो डाल देंगे और उसे अच्छी तरह से मीडियम से हाई हीट पे चला लेंगे, ताकि वो थोड़ा सा कलर उसका जो है वो चेंज हो जाए गोल्डन ब्राउन के रूप में। ऊपर से थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और फिर से मिला के उसे चलाएंगे। एक बार हमारी जो ये लौकी है ये पक जाए फिर हम हमारा स्टोव बंद कर देंगे पूरी तरह से। और ये जो दही है जो हमने ली थी उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, उसे गाढ़ा रखा हुआ है पर थोड़ा सा पानी डाल के उसे अच्छा गाढ़ा पेस्ट जैसा बना दिया है मैंने। अब इसे हम साइड में रख देंगे। अब एक छोटे से ग्राइंडर में हम या तो ब्लेंडर में हम जो हमारी सेकी हुई जीरा था उसे हम डाल के कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, मतलब अखा जाड़ा मोटा जो पीसते हैं वैसे पीस देंगे। देखिए थोड़ा और पीसने की ज़रूरत है हमें, ठीक है अच्छी तरह से पीस गई है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। अब ये देखिए हमारी लौकी जो पक गई थी ठंडी हो चुकी है, उसमें हमने दही डाल दिया है, पीसा हुआ जो जीरा था वो भी डाल दिया, और जो धनिया पत्ता है वो भी काट के हमने ऊपर से डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो ये
सॉस पैन है या तो हमारी जो दूधी है या लौकी है वो गर्म ना हो, वरना क्या हो सकता है कि हम जो दही होता है वो फट सकता है। तो अब हम इसे एक ऑफरिंग बोल में डाल के श्री कृष्ण के पावन चरण में तुलसी का पान रख के उसे ऑफर करेंगे। तो ये थी मेरी लौकी रायते की रेसिपी। इसे आप एकादशी में साइड डिश की तरह यूज़ कर सकते हैं। पोटैटोस के साथ में अगर आप पोटैटोस को स्टर फ्राई करते हैं या पोटैटोस का पकोड़ा बनाते हैं या आप वड़ा बनाते हो तो उसके साथ भी ये रायते की रेसिपी परफेक्ट फिट है। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए। इस रेसिपी की पूरी रिटन रेसिपी आपको krishnadirin.com पे मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।